सो हेलो एवरीवन, कैसे हो सारे गाइस? होप करता हूँ आप लोग काफ़ी बढ़िया होंगे और काफ़ी ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि अलाइट मोशन में जो हम इफेक्ट यूज़ करते हैं, ठीक है, उसमें फेड इन वाला जो इफेक्ट है वो आपको कैसे देना है। एंड ऑलरेडी मैंने बहुत सारे इफेक्ट के ऊपर जो है वीडियो क्रिएट करके दिए, तो वो भी आप मेरे चैनल विजिट करके आप देख सकते हो, ठीक है। एंड कंटेंट पसंद आए तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, ठीक है, बिल्कुल फ्री होता है सब्सक्राइब करना, कोई पैसा नहीं लगता, तो सब्सक्राइब कर देना। चलिए फिर बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले लाइट मोशन एप्लीकेशन को ओपन कर देना यार, जो रेशियो आपको चाहिए वो यहाँ से ले लीजिए। मान के चलो यहाँ मैंने यहाँ पे फुल स्क्रीन वाला रेशियो ले लिया है, सिंपल साइज प्लस वाला आइकन पे क्लिक करूँगा एंड देन यहाँ से मैं एक फ़ोटो ले लूँगा, ठीक है। ये वाला फ़ोटो मैं यहाँ पे ले लिया, थ्री डॉट पर जाकर फिल कंपोजिशन एरिया पर क्लिक करके इसको फुल स्क्रीन कर दूँगा। अब नॉर्मल जो इसमें आपको इफेक्ट ऐड करना है वो आप यहाँ पर इफेक्ट ऐड कर सकते हो, ठीक है। जैसे मुझे अभी मैं यहाँ पर इफेक्ट ऐड कर देता हूँ, तो ये वाला इफेक्ट यहाँ पर देख सकते हो, ये वाला इफेक्ट में ऐड करना है मुझे, ठीक है। तो सिंपल सा इस पर क्लिक करूँगा, क्लिक करने के बाद कॉफ़ी इफेक्ट पे क्लिक करूँगा एंड यहाँ से मैं उसे पेस्ट कर दूँगा। अब ये सारे इफेक्ट कैसे बनाते हैं मैं एक एक के ऊपर ट्यूटोरियल ला रहा हूँ, तो वो भी आप देख सकते हो, ठीक है। तो अब क्या करना है, फेड इन वाला इफेक्ट देना है हमको, तो यहाँ से तो मैं सबसे पहले ब्लिंक वाला जो इफेक्ट है वो डिलीट कर देता हूँ। और अब इस पर क्लिक करना है, इफेक्ट वाले ऑप्शन पे चले जाना है, इफेक्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद ऐड इफेक्ट पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको एक सर्च का बटन मिलेगा, तो यहाँ पे आपको सर्च करना है फेड इन और फेड आउट, ठीक है, फेड इन और फेड आउट। इस तरीके से आप सर्च करोगे ना तो आपको यहाँ पे इस तरीके से आपका इफेक्ट आ जाएगा। एंड इफेक्ट आने के बाद इस पर क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको आपका जो इन टाइम है वो आपके हिसाब से रख लीजिए, लाइक यहाँ पर मैं 10 सेकेंड रख देता हूँ, आउट भी यहाँ पे 10 सेकेंड रख देता हूँ। तो जब आपका ये स्टार्ट होगा आपका फ़ोटो, तो उसमें आपको ये इस तरीके से एनिमेशन देखने को मिलेगा फेड इन वाला, और जब आपका वीडियो ये ख़त्म होगा फ़ोटो, तब आपको आउट एनिमेशन देखने को मिलेगा। इसमें जो है आप अपना टाइमिंग भी इंक्रीज कर सकते हो, लाइक यहाँ पर मैं इसका जो टाइमिंग है वो 30 सेकेंड कर देता हूँ, ये भी 30 सेकेंड कर देता हूँ। तो यहाँ पे इस तरीके से एनिमेशन लगेगा और इस तरीके से ख़त्म होगा। तो ये भी इफेक्ट काफ़ी जो है यूज होता है वीडियो एडिटिंग में। तो होप करता हूँ गाइस ये छोटा सा वीडियो आपको पसंद आ रहेगा, अगर पसंद आ रहेगा प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच यार।